नमस्ते, आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में, और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग लेना चाहते हैं और हवन सर्विसेज बुकिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हवन हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे ग्रह शांति हवन, पितृ शांति हवन, रिलेशनशिप्स में एक तरह से एक पॉजिटिविटी लाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, है ना। और ऐसे ही जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हवन, काली सहस्त्र नाम हवन, हनुमान चालीसा हवन, ऐसे अन्य प्रकार के हवन अवेलेबल हैं, तो आप कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो यहाँ पर जो आपके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन सा दिख रहा है, और फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या है, आप बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से कहते ना पैनिक हो रहे हो, बहुत आपके अंदर हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब कि आप इतने बेचैन हैं कि आप ओवर वर्क कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ करें, कभी कहीं भागते, कभी कहीं भागते हैं, है ना। और आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हाथ से छूट रही हैं और कुछ भी सही नहीं हो रहा है, आपको ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, है ना। कुछ इस तरीके की एनर्जी में हैं आप। तो यहाँ पे ये एनर्जी इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आपने बहुत लंबे टाइम से मेहनत करी है, लेकिन क्या है, आपको ऐसा लग रहा है आप घूम के वहीं वापस आ गए जहाँ से आपने शुरुआत करी थी, है ना। कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बदला, कुछ ग्रोथ नहीं हुई है, कुछ हासिल नहीं हुआ है, और आपकी जो मेहनत थी और मेहनत और जो कहते हैं ना अलग अलग तरीके की परिस्थितियाँ देखी आपकी जो लाइफ रही है, वो ऐसी भी नहीं थी कि बहुत इजी हो, बल्कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे उथल पुथल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ वेस्ट चला गया है। लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए संदेश ये है कि आपको ये समझना होगा कुछ चीज़ें क्या है, नेचुरल ही ग्रो होती हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, जब आपने अपना सफ़र शुरू किया था तो क्या हो रहा था ना, चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो रही थी, या जल्दी जल्दी आप क्या छोटे 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 जो गोल थे वो कर पा रहे थे, है ना। तो क्या हो रहा था कि उसकी वजह से क्या है, अब थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप ये समय का जो डिफरेंस है ना, ये आपको बेचैन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, हो सकता है चीज़ें थोड़ी आपको देर लग रही हैं रिज़ल्ट मिलने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना। तो आपको ऐसे नेगेटिव थॉट से बचना होगा, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, बल्कि यहाँ आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, ग्रो कर रही हैं, अच्छी हो रही हैं, लेकिन एक नेचुरल पेस पर, है ना। पहले ये होता था ना, जैसे कि एक आप ये समझिए कि इस पूरे दौर में जो आपका सफ़र रहा है लाइफ का, उसमें आपके अंदर भी बदलाव आया है ना। जैसे पहले आप इंसान थे, मान लीजिए अगर कुछ एक साल पहले या 5 साल पहले या कुछ लोगों के लिए 9-10 साल जितने भी डिफरेंस हो, आप सेम इंसान आज नहीं रहेंगे, है ना, क्योंकि आपके अंदर भाई सोचने समझने की क्षमता बदली होगी या चीज़ें ऐसी घटनाक्रम हुई होगी, तो इससे क्या होता है ना, इंसान का एक एनर्जी बदल जाती है। तो अब क्या है ना, फिर वो एनर्जी बदल जाती है, तो उस हिसाब से आपकी जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट हो रही है ना। तो आपको यहाँ पे क्या है, अपना फेथ बना कर रखना है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है आपका जो इनर वर्क है वो वेस्ट जा रहा है, और आप ऐसी जगह फंस चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी भाग लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी हाथ पैर फेंक लें, आपको बैर मिनिमम भी नहीं मिलने वाला है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग के फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन कि शायद आप जो अपनी घर गृहस्थी की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो महीने वाली, वो भी नहीं आप चला पा रहे हैं। पर यहाँ पर आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि ये पल आपको डिमांड करे सबसे ज़्यादा पेशेंस। देखो, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं से हेल्प लेने की या काम करने की या जो भी आपका जैसा भी आप डिसीजन ले रहे हैं, है ना। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ बेसिक मेन बात ये, अपने माइंड में जो होप है ना वो मत खो। अपने माइंड में ये मत सोचो कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी
हो सकता है परिस्थिति बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत कठिन है, लेकिन आपके जो रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं ना, वो आप ये देखिए कि आपको चकाचौंध कर देंगे बिल्कुल। आपको लगेगा कि वाह यार, कि यही तो है जो, मतलब अब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, लाइफ रंगीन हो जाती है, ऐसी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर ये आपने कुछ दिन निकाल लिए, खास करके आप ये समझिए कुछ एक हफ्ता 10 दिन आपके इम्पॉर्टेंट है लग रहे हैं, 5 दिन 10 दिन आपके इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने वो निकाल लिए तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी अबंडेंट है, और आप ये देखेंगे कि आपने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है कि आप भाई कोल्हू के बैल बन गए हैं कि एक ही जगह मेहनत करते रहो और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप ये समझ पाएंगे कि आपने बिल्कुल सही रास्ता चुना था और आपको अपने ऊपर और विश्वास होगा। आप जब आपके लिए चीज़ें बदलेंगी ना, और जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि जो आपकी पूरी स्टोरी रही है, जो एक 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 छोटे छोटे आपने कदम लिए, छोटी छोटी आपने डिसीजंस लिए, बदलाव किए, उससे आज कितना बड़ा बदलाव आया है, और इसके साथ साथ आपकी एक तरह से ग्रोथ भी हुई है ना। ये बदलाव सिर्फ मटेरियल बदलाव नहीं था बाहर के लिए, है ना। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे बाहर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, कुछ तो हो नहीं रहा, इतना पैसा नहीं आ रहा है, मैंने तो ये इतना सोचा था पर इतना नहीं, पर लेकिन जो ग्रोथ है ना, वो आपकी इस समय ये समझिए बराबरी में चल रही है ना। आप जितना आप अंदर से ग्रो कर रहे हैं, उतना ही आपकी बाहर भी होगी ग्रोथ, और जितनी बाहर आपको सफलता दिखेगी, उतनी आपके अंदर मन की भी आपको सफलता मिलेगी। और आप ये देख पाएंगे कि आप ना इतने ज़्यादा समझदार हो चुके हैं कि जो सिचुएशन शायद लोगों के लिए डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल लगे, वो आप बड़े आसानी से कर जाते हो। मतलब कि जहाँ शायद लोगों को ये लगे अरे यार इतना प्रेशर है, ऐसे कैसे होता है, ये है वो है, लेकिन आप उसको बखूबी एकदम शांति से कर ले जाओगे, और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा सराहना भी मिलने वाली है, तारीफ़ें मिलने वाली है डेफिनेटली आपके काम के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी जर्नी के लिए, है ना। तो आपको अपने काम पर या अपनी जो भी लाइफ है उस पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्यूचर को लेकर डाउट में थे, तो ये रीडिंग आपको बेसिकली ये क्लैरिटी देने आई है कि देखो अपने डिसीजन पर डाउट मत करो, जो भी आपने प्लान किया है अपने प्लान पर डाउट मत करो, आप चलते रहो। चीज़ें क्या है, आपके लिए थोड़ा स्लो हो गई है, डिफरेंस समझिए आप दोनों बातों में। एक होता है कि जब आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो शायद आपके लिए कुछ लोगों के लिए होता है ना कि वो शायद उनको वैसा फल नहीं दे पा रहा है, शायद उन्होंने कुछ गलत चॉइस बना ली, लेकिन यहाँ आपके साथ ऐसा नहीं है, आपने गलत चॉइस नहीं बनाई है, आपने सही चॉइस बनाई है, आपको फल भी मिलेंगे, बस क्या है आपका प्रोसेस जो है वो स्लो चल रहा है ना। तो अपने माइंड में कोई भी डाउट मत लाइए, कोई दिक्कत मत रखिए, पैनिक मत होइए, है ना, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप किसी गोल की तरफ या किसी प्रोजेक्ट पर या किसी अपने सपने पर, ड्रीम लाइफ पर काम करते हैं, तो ज़रूरी है उसके साथ साथ प्रेजेंट मोमेंट में भी रहना, है ना। प्रेजेंट मोमेंट में मतलब कि इम्पॉर्टेंट है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, है ना, ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना, तो यही आपके लिए इस वक्त रिकमेंडेशन है। बाकी आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन के लिए संपर्क कर सकते हैं, और हवन आपको एडिशनल एक क्लेंजिंग ऑफ एनर्जी देने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए होते हैं। बाकी की डिटेल्स आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर पता कर सकते हैं। धन्यवाद।